मेरा नाम डॉक्टर धवल है, मैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विस का इंचार्ज हूँ। 14 जून पूरे विश्व में वर्ल्ड ब्लड डोनर डे यानी कि विश्व रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हम सारे ब्लड डोनर्स का शुक्रिया अदा करते हैं और जो जो भी गैर मान्यताएं हैं रक्तदान के विषय में उनको दूर करने की कोशिश करते हैं। आज ये स्पेशल दिन पे मैं एक स्पेशल टाइप के रक्तदान के बारे में बात करूंगा जिसको बोलते हैं एफेरेसिस डोनेशन। एफेरेसिस का मतलब है निकालना। एफेरेसिस डोनेशन में एक मशीन रहता है और एक किट रहता है। ब्लड डोनर को मशीन के साथ किट के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। डोनर का ब्लड एक नीडल इंसर्ट करने के बाद किट के थ्रू मशीन में जाता है और मशीन उसमें से जो भी ब्लड का टाइप हमें चाहिए वो निकाल लेता है और बाकी का जो ब्लड का पार्ट है वो सारा पार्ट डोनर की बॉडी में वापस चला जाता है उसी वेन से। एफेरेसिस का फायदा ये है, एफेरेसिस मशीन के द्वारा हम कोई भी ब्लड का जो पार्ट है, फॉर एग्जाम्पल रेड ब्लड सेल, WBC, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, कोई भी ब्लड का पार्ट डोनर में से निकाल सकते हैं और बाकी का जो ब्लड का पार्ट है जो हमें नहीं चाहिए वो डोनर की बॉडी में वापस भेज सकते हैं। एफेरेसिस डोनेशन का फायदा ये है, कोई भी डोनर इसका नॉर्मल ब्लड डोनेशन से ज्यादा बार डोनेट कर सकता है। एफेरेसिस डोनेशन में जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो है प्लेटलेट डोनेशन। जब एक डोनर प्लेटलेट डोनेशन करता है एफेरेसिस के थ्रू तो वो एक डोनेशन के बाद 72 आवर्स यानी कि 3 दिन के बाद वही डोनेशन वापस कर सकता है और एफेरेसिस प्लेटलेट डोनेशन 1 साल में 24 बार कर सकते हैं। जब उसको नॉर्मल ब्लड डोनेशन से कंपेयर करें, नॉर्मल ब्लड डोनेशन सिर्फ हर 3 महीने में 1 बार कर सकते हैं। उसका कारण यह है, जब एफेरेसिस के थ्रू प्लेटलेट डोनेशन करते हैं तो सिर्फ डोनर का प्लेटलेट निकलता है और वो प्लेटलेट बहुत ही फास्ट रिकवरिंग है, डोनर की बॉडी में 48 आवर्स में वापस बन जाता है। एफेरेसिस प्रोसीजर का फायदा पेशेंट के लिए यह है कि जब भी ऐसे केसेस है जहां पे डेंगू है, कैंसर पेशेंट्स है जिन लोगों को प्लेटलेट काउंट बहुत कम हो जाता है, ऐसे पेशेंट्स में प्लेटलेट के छोटे पैकेट कभी कभी काम नहीं करते। तो ऐसे केसेस जहां पे प्लेटलेट का काउंट बहुत कम है और जिनको बार बार प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है, उन लोगों के लिए एफेरेसिस प्लेटलेट बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि एफेरेसिस प्रोसीजर से निकाला हुआ प्लेटलेट का क्वालिटी और बहुत ही हाई रहता है और वो सिर्फ एक ही डोनर से निकलता है। तो जब वो पेशेंट को चढ़ता है तो पेशेंट में प्लेटलेट काउंट बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट रहता है और वो क्योंकि वो एक ही डोनर से निकला हुआ है तो पेशेंट को एक साथ बहुत सारे डोनर का एक्सपोजर भी कम हो जाता है। पेशेंट में प्लेटलेट चढ़ाने के बाद, कभी कभी ब्लड चढ़ाने के बाद जो रिएक्शन होता है वो भी बहुत मिनिमल हो जाता है। एट द सेम टाइम अगर हम डोनर के बारे में बात करें तो फॉर द डोनर्स एफेरेसिस प्लेटलेट इज 100% सेफ। उसका कारण यह है कि जब भी कोई भी डोनर डोनेशन करने के लिए आता है तो उनका स्पेशल स्क्रीनिंग होता है, डोनर का CBC चेक किया जाता है, डोनर के दूसरे पैरामीटर चेक किए जाते हैं और डोनर्स का वेन भी चेक किया जाता है। जब सारी चीजें रूल्स के हिसाब से फिट बैठती है तभी डोनर को डोनेशन के लिए लिया जाता है। एक डोनर, बहुत सारे डोनर से सवाल पूछते हैं कि ये किट आपने यूज किया, मेरा ब्लड कहीं पे मशीन में टच हो जाता है तो ऐसे मुझे इन्फेक्शन हो जाएगा। बट मैं ये बताना चाहता हूं कि जब भी कोई भी डोनर प्लेटलेट डोनेशन करने के लिए आता है मशीन के थ्रू तो हर बार एक नए डोनर के लिए नया किट यूज होता है और वो किट इस तरह से बनता है कि डोनर का ब्लड बाहर की सरफेस पे कहीं पे भी एक्सपोज नहीं होता। वो जो किट है वो पूरे के पूरा क्लोज सिस्टम रहता है
डोनर को जहां पे नीडल लगा है वहां से लेकर कहीं पे भी बाहर डोनर का ब्लड बाहर के एनवायरमेंट में एक्सपोज नहीं होता, पूरा का पूरा ब्लड सिस्टम में रहता है और वो सिस्टम के थ्रू प्लेटलेट निकलता है और बाकी का ब्लड वही सिस्टम के थ्रू वापस चला जाता है। तो जब भी आपको मौका मिले प्लीज आगे आइए और प्लेटलेट डोनेशन या एफेरेसिस डोनेशन का कोशिश कीजिए, क्योंकि एफेरेसिस डोनेशन का रिक्वायरमेंट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और उसके लिए भी क्योंकि स्पेशल डोनर्स चाहिए, उतने स्पेशल डोनर मिलते नहीं है, तो प्लीज कोशिश कीजिए एफेरेसिस डोनेशन का।